नमस्कार, एएस न्यूज आपका सच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां एआरटीओ कार्यालय में दलालों के बोलबाले की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने आज औचक छापेमारी की। एडीएम वित्त अरुण कुमार सिंह और एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी द्वारा छापेमारी के चलते विभाग में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान एक दलाल को पकड़ा भी गया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। एडीएम अरुण कुमार सिंह से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एआरटीओ ऑफिस में दलालों की सक्रियता काफी बढ़ गई है और इसी सूचना पर उन्होंने आवश्यक छापेमारी किया है। कई काउंटर पर उन्होंने घंटों जांच भी किया है। इस दौरान एक दलाल उनकी पकड़ में भी आया, लेकिन वह एडीएम एसपी ग्रामीण के साथ ही शहर कोतवाल और भारी पुलिस फोर्स को चकमा देते हुए गायब हो गया। एआरटीओ सौम्या पांड्या से बात की गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि दलालों की जानकारी पर छापेमारी किया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स द्वारा छापेमारी से कार्यालय परिसर में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में दलालों के प्रवेश निषेध के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम लोग कुछ शिकायतें मिल रही थी उसकी जांच के लिए कि यहाँ पर कोई दलाली कर रहे थे, ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आए और देखा, जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की, उनके द्वारा बताया गया कुछ लोग जो है गाड़ियों ट्रांसफ़र कराने आए हैं, आरसी लेने आए हैं, उनके जो प्रपत्र थे देखे गए, जो सही थे उनको छोड़ दिया। क्या कुछ लोग पकड़े भी गए हैं? तो ये थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन जब तक पूछ रहे थे गुदायश कहीं निकल गया है। देखो था एक संदिग्ध था आदमी, जिसका क्या नाम है कौन कुछ कहा, नाम है सतप्रकाश कुशवाहा नाम था। ऐसे सर आगे अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे ही निरंतर आकस्मिक जांच करते रहेंगे हम लोग, जिससे यहाँ पर कोई अवैध गतिविधि न होने पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।